जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पैलेस में। और आज हम सीखने वाले हैं टू डिजिट के स्क्वायर निकालना, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे कि देखिए, इसमें हम टू डिजिट के स्क्वायर निकालेंगे इस तीन तरीकों से। एक तो आपका ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर, जिसमें हम बैलेंस शीट फिगर करके आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले। फिर हम करेंगे बेस, जो 50 और 100 के आसपास सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करना। और तीसरे में हमारा आएगा स्क्वायर यूनिट डिजिट इकाई अंक, मतलब कि जिस नंबर के इकाई अंक में 5 हो, लास्ट में 5 लिखा हो, उसको कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइप को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग यूनिट डिजिट, जिसके लास्ट में 5 है। आगे भी कंटिन्यू हो सकते हैं 105, 115, 125। आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसमें आपको क्या करना है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हर जगह 5 है, तो हमें टू लास्ट के टू डिजिट पे 25 लिखना है। देखिए 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। आपको क्या करना है, सीधा 25 लिखना लास्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए जो मेन काम है यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए तो टेंस प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है टेंस प्लेस पे, तो यहाँ क्या करना है, एक आपको एड ऑन करना है। एक में एक जोड़ोगे दो बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो यहाँ कितना आएगा, एक गुणा दो, दो। यहाँ देखिए दो लिखा हुआ है, अब दो में एक को एड ऑन करोगे तो 3 बनेगा। अब इस दो के गुणा 3 में करना है आपको, 2 × 3 = 6। बस यहाँ 3 है, 3 में एक जोड़ोगे 4, 3 × 4 = 12। अब यहां देखिए, यहाँ 4 है, 4 में एक जोड़ोगे 5, आपस में गुणा 20। यहां देखिए 5 × 6 = 30। देखिए 85 है, तो 25 तो आएगा ही लास्ट में। अब 8 है, तो उसमें 1 जोड़ोगे तो 9, 8 × 9 = 22। अब यहां देखिए 9 है, तो इसको 10 गुणा हो जाएगी 90। यहां देखिए यहां 6 है, तो 6 में 7 की गुणा हो जाएगी 6 × 7 = 42। तो देखिए, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आसानी से समझ में आ गया होगा जिसके इकाई अंक में 5 लिखा हो। देखिए दोस्तों, जिसके इकाई अंक में 5 लिखा हो, तो इसको हम ऐसे करेंगे 25, फिर जो हमारी टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसमें आपको एक एरर करना है, और उसके बाद गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, भाई मुझे बताओ 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, तो 125 के स्क्वायर में आपको 5 लिख रहा है इकाई अंक पे, तो 25 लिखोगे ऐसे का ऐसे। अब 12 है, इसमें एक जोड़ोगे 13, 12 की गुणा 13 में करोगे 156। तो ये हमारा आंसर। जैसे मैं आपसे पूछूं, बच्चे लोग 205 का स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे 205, इकाई में 5 है तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 20, अब 20 पे एक जोड़ोगे 21, 20 की गुणा 21 में करोगे तो 420, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं किसकी ओर, बेस की ओर, 50 और 100 के आसपास वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना, 50 के आसपास वाले नंबर, ठीक है। इस चीज में आपको मैं बता रहा हूं, तुम्हें 43 का स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए 43 का स्क्वायर करना है। अब इस 43 के स्क्वायर करने में क्या करना है आपको, सबसे पहले काम अब ये बताइए कि 43 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 7 कम है। अब जो 7 कम है ना, आपको ऑलवेज मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमेशा आपको 50 से कम है 43, कितना कम है 7 कम है, तो आपको हमेशा 25 में भी 7 कम करना है। क्या 25 में भी 7 कम करोगे, 25 में भी 7 कम करोगे तो 18 आएगा, ठीक है। अब जो इन दोनों में जो डिफरेंस आया है,
इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है 49। ये हमारा आंसर है। और तीन चार एग्जांपल से सिखाता हूं मैं आपको। आप देखिए एक और लेता हूं, 47 है, 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो 25 में भी 3 कम करिए, 25 में 3 कम करोगे तो कितना आएगा 22, 3 का स्क्वायर 9, और आपको लास्ट में 2 डिजिट लिखनी है तो 0 लगा देना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए अब हम 50 से ज्यादा लेते हैं, ठीक है 54 है। अब देखिए यहां पर आपको क्या सीखना है, यहां देखिए 54 है, देखिए 50 से कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 54, 50 से कितना ज्यादा है, अब बोलोगे 4, 4 ज्यादा है, ये कम था ये कम था। अब आपको क्या करना है, इस 25 में 4 जोड़ना है, जब भी 50 से ऊपर नंबर हो और उसके आस पास हो, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 25 में 4 जोड़ोगे 29, 4 का स्क्वायर जो भी डिफरेंस आए है उसका आपको स्क्वायर करना है 16। तो कैसे लगे दोस्तों, अब देखिए एक और नंबर लेता हूं, अब नंबर लेता हूं मान के चलिए 58। देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 25 में 8 जोड़ोगे 33, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है दोस्तों, 100 के आसपास आए नंबर। देखिए हम 2 डिजिट के स्क्वायर करना सीख रहे हैं तो 100 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, हम 100 से कम लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है काफी रेयरली केस है जो आपसे 3 लास्ट में आपके 3 का 3 डिजिट के स्क्वायर पूछ लिया गया हो या सॉल्व करने में 3 डिजिट का स्क्वायर आ गया हो, मोस्टली जब 2 डिजिट का स्क्वायर आता है तो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए अब जो 100 है, यहां देखिए जैसे कि मैं नंबर लिख रहा हूं 93, ठीक है इन सबका स्क्वायर है, ठीक है भाई 93, 94, 95, 89, 92 और 99, ठीक है ऐसे नंबर है कुछ। देखिए स्क्वायर निकालना है तो क्या करिए आप, क्या करिए सबसे पहले ठीक है 100 से कितना कम है, यहाँ ध्यान से समझ रहे हैं, 100 से कितना कम है 7 कम है, अब जो 7 है ना इस 7 को हमें क्या करना है, इस 97 को 93 में से माइनस करना है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 86, और फिर जो 7 है उसको स्क्वायर लिखना है। देखिए ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, अब ये 3 है ना जो कम है उसको 97 में से कम करिए तो 94, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में निकला है। अब देखिए ये कितना कम है, 6 कम है, अब इस 94 में भी 6 कम करिए तो 88, अब 6 का स्क्वायर 36, तो आए समझ में। अब देखिए 95 से अब दो तरह के बच्चे हो गए, एक तो होगा कि भाई इस चीज को आखिर में 5 लिख किया, ये क्या करेगा 25 लिखेगा और 9 के गुणा 10 में करेगा, 90 और 25 आंसर, और दूसरा बच्चे क्या करेगा बेस से करेगा, यदि बेस से करेगा तो कैसे करेगा भाई 100 से कितना कम है 5, 95 में 5 जाएगा 90 और 5 क्या इस पर 25, तो आपको आना चाहिए। ठीक है अब 89 है, ये देखिए 100 से कितना कम है, 100 से 11 कम है, तो 89 में 11 कम करोगे तो 78, 11 का स्क्वायर 121। देखिए यहां सीखने वाली चीज है क्या, यहां तो यार 2 डिजिट आनी चाहिए पर यहां पर 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा डिजिट जो आ रही है उसमें हम एक कैरी कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7921। तो बच्चे लोग समझ में आया आप सभी को, ठीक है तो यहाँ देखिए 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 इसमें भी कम करोगे तो 84,
8 का मैं और 8 का स्क्वायर 64। ये देखिए 4 से 1 कम है तो किसी में से एक कम करिए 98, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और अपनी तरफ से 0। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑल मतलब कि इस फॉर्मूले से या बैलेंसिंग फिगर करने से आपके ये हो या ये हो, यदि आपको नहीं समझ में आता है एग्जाम के टाइम में आपने ये तरीका भूल किए, स्क्रिप्ट को भूल किए, तो आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस करिए बैलेंसिंग फिगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाले जब आप एग्जाम में बैठोगे आपकी स्पीड बढ़ाने में, ठीक है। तो आइए उसको शुरू करते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर। अब देखिए मैं एक आसान नंबर ले रहा हूं जैसे कि 21, उस 21 का स्क्वायर बताना है, ठीक है। देखिए ये हमारा ए हो गया, ये वाला प्लेस हमारा बी हो गया। देखिए इसमें देखिए देखिए यहां से शुरू करेंगे, बी का स्क्वायर मतलब कि इस एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा मतलब ए बी की, दो एकम दो और फिर इसकी दो में गुणा, दो एकम दो और दो दो भी चार, ठीक है। फिर ए का स्क्वायर मतलब कि दो का स्क्वायर चार। क्या आपको समझ में आ रहा है, देखिए कितना आसान है, आपको रखना है और मैं बता रहा हूं। आइए 27 का आप सभी को आता है, आपको 29, तो यहां देखिए सीखिए, देखिए 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर देखिए दो डिजिट नहीं लेना है, एक डिजिट लेना है, 7 का स्क्वायर 9, 4 आपका कैरी होगा, ठीक है। फिर देखिए आप हमें बना 2 × 7 = 14 और 14 × 2 = 28 और 28 × 4 दोस्तों 32, 32 का 3 कैरी। अब फिर ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 = 7। अब देखिए देखिए रिवीजन करवाने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 के 3 चौक, फिर आपस में बना 3 चौक के 12, 12 × 2 = 24 और 1 5, 25, 25 का 2 बचा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 73। तीन का स्क्वायर देखो, तीन का स्क्वायर 9, एक ही डिजिट है, इधर लिख दो 7 या 21 और 21 दूरी 42, 42 का 2 और 4 हाथ में, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। तो आइए समझ में दोस्तों, अब इसमें कर सकते हैं आसानी से निकाल दो 45, बच्चा बच्चा जानते हैं, अब तो इकाई में 5 है तो कैसे करेंगे, हर एक कोई जानते हैं, यदि भूल जाते हो तो ये किस काम आएगा, ये कब काम आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 5 का स्क्वायर 25 का 5 दो हाथ में, 4 × 20 = 40, 40 × 2 = 42, 42 मतलब 4 हाथ में, 4 के स्क्वायर 16 और 20 4 92 का स्क्वायर करें 2 के स्क्वायर 4, हाथ में कुछ भी नहीं, एक ही डिजिट है, 9 × 18 = 36, 36 का 6 3 हाथ में, 9 का स्क्वायर 81 और 384, कहानी खत्म। देखिए माइंड में कर सकते हैं ये, माइंड में, ठीक है। तो इसके आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, बैलेंसिंग फिगर इसके लिए जो बच्चा अपने माइंड में ये हाथ जो केरी वाला नंबर नहीं रख पाएगा, थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि मान के चलिए 78 है, ठीक है दोस्तों। अब ये है नंबर, अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होता है, 8 का स्क्वायर 64 का 4, अब 6 मतलब माइंड में नहीं लिख पाते 6, तो यहाँ लिख दो 6, 7 8 8 56
छप्पन दूनी 112, 112 और 6, 112 और 6, 118 का 8, 11 हाथ दो, 7 का 49 और 11 60। तो देखिए आसान से इसका आपका हो जाएगा। मतलब ये जो बच्चे यहाँ माइंड में इसके लिए बैलेंसिंग फिगर क्या है, बैलेंसिंग फिगर यही चीज है, कोई अंतर की बात नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट देखिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा सफी जी 32। हमें क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, एक खाना दो लाइन, फिर दो लाइन लिखना है आपको, दो लाइन खींचना है। फिर आपको क्या करना है भाई, जो नंबर यहाँ पर है इसका स्पैन नो, फिर क्या करेंगे इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, मतलब 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, इस 12 को यहाँ रखेंगे। अब क्या करेंगे आइए, फिर 2 का स्क्वायर, आपको बैलेंस करना है, आपको इस बॉक्स में एक ही डिजिट लेना है 4 का 4, यहाँ 2 है 12 है तो एक ही डिजिट लेंगे 2, 1 चले जाएगा आगे वाले के पास, तो 9 और 1 = 10 खत्म। क्या करेंगे फटाफट, ये 2 लाइन, 7 का स्क्वायर 49, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, ये लगाना है, ये फॉर्मूला इसमें रखना है, 2 का स्क्वायर 4, एक एक डिजिट लेना है 4, यहाँ पर 8 आएगा, 2 यहाँ चला आएगा 49 पर 2 = 51 खत्म। ये लिखे 8 का स्क्वायर 64, 8 × 3 = 24 × 48, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऐसे 8 यहाँ आएगा, फिर लास्ट डिजिट लेना है ठीक है, फिर 4 यहाँ चला आएगा 50 94 81, 9 × 36 = 36, 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए, यह एक डिजिट लेना है 6, एक यहाँ चला जाएगा 3 और 7 हमारा यहाँ चला जाएगा 81 और 7 = 88, यहाँ आइए 2 लाइन, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 3 = 60, 6 का स्क्वायर 36, 6 लेना सिंगल सिंगल, 3 यहाँ जाएगा, 3 + 0 = 3, 6 × 25 = 31, देखिए 36, 6 × 7 = 42, 42 × 84, 7 का स्क्वायर 49, 9 यहाँ का यहाँ रहने दो, 4 यहाँ चले जाएगा 84 और 4 = 8, 88 का 8, 8 यहाँ पर जाएगा 44। बताइए दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, क्या आ रहा है तो समझ में दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए, तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए इस वीडियो को ठीक है। अब देखिए 84 है, अब इस 84 को हम कैसे करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से 64 8 × 32 = 32 यहाँ पर भी और 4 का स्क्वायर 6 आएगा, 1 यहाँ जाएगा 5, 6 चले जाएगा यहाँ पर 70। बोलिए दोस्तों आया समझ में आपको, आया समझ में, तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, और जिसमें आपको 2 डिजिट के हर एक स्क्वायर नंबर, जो नंबर आपके 150 के आसपास हो तो क्या करना है, जिसके लास्ट में 5 लिखा हो तो क्या करना है, ये आपको ऑल इन वन यदि फॉर्मूले में रखोगे या बैलेंसिंग फिगर से करोगे तो आपका हर एक आंसर आएगा। तब क्या करना है, अब देखिए अब एक रिवीजन करते हैं, जिसके अंदर तीनों कैटेगरी के मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ ठीक है, और जब मैं बताऊंगा कि एग्जाम में देखिए ये दिक्कत तो कैसे स्पीड में करेंगे, अब एक बच्चे की नजर कैसी होनी चाहिए, जब ये बच्चा कोई सॉल्यूशन करता है स्क्वायर निकालता है तो बच्चे को कब कौन सा कैटेगरी को यूज करना है, इसमें आप सीखने वाले ठीक है। तो आइए देखिए 74 का स्क्वायर पूछ लिया तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे या बैलेंसिंग फिगर जो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए 4 का स्क्वायर 16 16 का 6 एक हाथ में, फिर क्या करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई, 7 × 28 = 56, 56 × 1 = 57, 5 हाथ में, 7 का स्क्वायर 49 + 5 = 54, ऐसे करोगे या बच्चा कोई बैलेंसिंग फिगर से करेगा। अब यहाँ पे देखिए 55
दिख गया, 75 दिख गया, 85 दिख गया, मतलब कि लास्ट में 5 दिख गया आपको। और लास्ट में 5 दिख गया तो आप ऐसा तो करोगे नहीं, 50 के आसपास वाले नंबरों की तरह करोगे नहीं, आप क्या करोगे, 5 दिख गया भाई, 25 लिखो यहाँ पे जो नंबर है इसमें, एक एक ऐड करो, 5 6, 5 ही होना चाहिए, 30 खत्म। समझाने के लिए अगर समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग बच्चे ऐसे सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए 46 दिख गया, 46 दिख गया, अब उन्हें 50 के आसपास वाला नंबर है, जब भी 50 के आसपास वाला नंबर हो तो क्या करना है, 50 से कितने कम है, 4 कम है, और 50 के आसपास वाले में क्या है, 25 में भी कम कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, 50 से कितने कम है, 4 कम है, तो 25 में 4 कम कर दो, 21, और 4 का स्क्वायर 16, खत्म। अब देखिए 93, 93 दिख गया, तो बच्चा क्या करेगा, बोलेगा 100 के आसपास वाले नंबर है, फटाफट हम कर सकते हैं, कैसे करेगा, 100 से कितने कम है, 7 कम है, 7 कम है, तो उसमें से 7 कम कर दो, 7 कम करोगे तो 86, और 7 का स्क्वायर 49, खत्म। 38, 38, एक अब ना ये काम आएगा ना ये काम आएगा, ये 50 से बैठ लोगे तब भी आ जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब एक बच्चे को भाई फॉर्मूला में नहीं रख रहा है, माइंड में नहीं कर पा रहा, बैलेंसिंग फिगर करो ना, 3 का स्क्वायर 9, 8 दिया, 8 दिया, 24 दूनी 8 कर, 1 एक लो, 6 यहां से जाएगा, 54 का 4, 5, 9 और 5, ऐसे तो कर सकते हो। तो ये एक देखने का तरीका है कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे हम हर एक तरीके को, हर एक ट्रिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को कब और कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, व्हेन एंड हाउ, व्हेन एंड हाउ, तरीके तो बहुत है बट कैसे यूज करना है इस तरीके को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।